लो जी नारान पहुंच गया हूँ, नारान बाज़ार। अब यहाँ पे सबसे मुश्किल और कठिन काम जो है वो है होटल तलाश करना। यहाँ पे होटल तलाश करने का मिशन जो है वो जारी हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम, नारान की खूबसूरत वादियों से मासूम अवारागर्द का सलाम कबूल कीजिए। मैं इस वक्त नारान में इंटर हो चुका हूँ। ये नारान की एंट्री है और यहाँ से दो दरिया मिल रहे हैं, बल्कि दरिया एक है लेकिन वो दो रास्ते हो जाते हैं। और यही दरिया है जिसको उन्होंने बंद बांध के आगे डैम बनाया हुआ है। उस डैम की वजह से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का फासला वो रास्ता उन्होंने खुद जानबूझ के ख़राब किया हुआ है ताकि गाड़ियाँ स्पीड से ना गुजरें, क्योंकि वहाँ पे बहुत से वर्कर्स काम कर रहे हैं। अगर आप आते हैं तो आपको वो मंज़र भी देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे ना तो कैमरा चलाने की इजाज़त है और ना ही आप वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बैक कैमरा चलाऊँ और आपको दिखाऊँ कि जब आप नारान में इंटर होते हैं तो आपको क्या व्यू देखने को मिलता है। लो जी, अब मैंने बैक कैमरा चला दिया है। ये वो रास्ता है, वो गाड़ियाँ जो आ रही हैं ये आ रही हैं मानसेरा की तरफ से, नारान कगान की तरफ से आ रही हैं। ये देखें जी, ये सीन आपको देखने को मिलेगा। ये नज़ारे हैं, अल्लाह की कुदरत है। आप देखें, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको मैं इसका अच्छी तरह से जो है ना वो व्यू लेके दिखाऊं। ये वो दरिया है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि यही वो दरिया है जिस पे बंद बांध के तो वो डैम बना रहे हैं। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा डैम बन रहा है। अगर आप आते हैं तो आपको वो देखने को मिलेगा। लेकिन बताने का मकसद ये है कि उस वजह से, वो डैम की वजह से तकरीबन आप आधा घंटा पौना घंटा जो है ना वो एक तो लेट हो जाते हैं और फिर गाड़ी का अगर टायर अच्छे ना हो तो वो पंक्चर होने का भी ख़तरा है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप बाइक पे आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, वहाँ पर खड़े ना हो डैम पर। अगर खड़े होंगे तो फिर फौजी ही टांटा भी करा दे जे। लो जी नारान पहुंच गया हूँ, नारान बाज़ार।
अब यहाँ पे सबसे मुश्किल और कठिन काम जो है वो है होटल तलाश करना। यहाँ पे होटल तलाश करने का मिशन जो है वो जारी हो चुका है। देखता हूँ कोई सस्ता होटल मिल जाए। मुझे ये पता है कि पॉइंट है, पॉइंट पे सस्ता मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। अगर मिलता है तो आपको भी दिखाता हूँ और देखते हैं कितने में मिल जाएगा। मेरा आइडिया है कि यहाँ पे मैंने 3,000 3,500 से ऊपर रूम नहीं लेना। अगर मिल गया तो ठीक है, वरना फिर आगे पीछे होके कहीं पे देखता हूँ। लेकिन अब मैं बैक कैमरा चलाता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ, ठीक है, कि ये कौन सा होटल है और क्या रेट मिलता है यहाँ पे। ना मैं बैक कैमरा चलाता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ कि नारायण बाजार क्या है। लो जी, अब बैक कैमरा चला दिया, अब तलाश करता हूँ होटल, कोई मिल जाए तो। होटल रूम चाहिए, आओ सर चेक करो। ये वाला रूम है जी, रूम देखते हैं। हाँ जी, कितने में मिलेगा ये? पांच में नहीं, सस्ते वाला दे। 5,000 में रूम था, लेकिन मेरा ये बजट से बाहर है। मेरा बजट है कि मैं 3,350 तक जो मिल गया वो लूँगा। हाँ जी, यार एक चीज़ की समझ नहीं आती, लाइटा जड़ियाँ बंद बुझ नहीं और जड़ियाँ ना बल्दियाँ बुझ दियाँ नहीं पईं, लेकिन कैमरे जो बल्दियाँ बुझ दियाँ नज़र आती हैं। ये किसी को अगर पता हो तो कह ली, ये तो कन्फ्यूजन मेरी दूर करें कि ये क्यों होता है ऐसे। ऊपर बादल बहुत गहरे बादल हैं, देखें बारिश भी हो रही है, बारिश स्टार्ट हो रही है, इसलिए मौसम जो है ना थोड़ा बड़ा रोमांटिक सा मौसम बन गया। ये वाला होटल है अल सदीक व्यू अपार्टमेंट, वादी नारान।